हाय फ्रेंड्स, जय माता रानी। कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाई जाने वाली आलू लच्छा नमकीन। जो हम व्रत में नमकीन खाते हैं, आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है? मैंने मीडियम साइज के लगभग 5-6 आलू लिए हैं। अगर बड़े हो तो बड़े आलू भी ले सकते हैं। मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। एक कटोरी मैंने लिया है मूँगफली, जिनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने लिया है नमक, सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत में नॉर्मल नमक नहीं खाते, तो मैंने सेंधा नमक लिया है। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा इसमें डाल लेंगे। ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च, जो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। ये लिया है मैंने कुछ थोड़ा सा कटा हुआ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्लाइसिस में कटा हुआ कोकोनट, ड्राई कोकोनट है, जिसको भी हम रोस्ट करके डाल लेंगे। ये लिया है मैंने शुगर पाउडर। नमकीन को थोड़ा मीठा और खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें मैंने डाल देंगे हम शुगर पाउडर। तो ये सारे सामग्री लिए हैं। सबसे पहले हम आलू के लच्छे निकाल लेते हैं। तो आलू के लच्छे निकालने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। इस बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। अब इसके अंदर हम लच्छे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे लच्छे कितने अच्छे निकल के तैयार हो रहे हैं। तो पानी के अंदर ही हमें इनको लच्छे को निकाल लेंगे, ताकि इनका सारा स्टार्च पानी में निकल जाए। सारे लच्छे को एक बार हम ग्रेट कर लेते हैं। हमें लच्छे बनाने के लिए बॉयल आलू नहीं लेने, कच्चे आलू ही लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लच्छे बनके तैयार हो चुके हैं। हमने लच्छों को निकाल लिया है अच्छे से। अब इसको हम 3-4 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। आलू के लच्छों को मैंने 4-5 बार अच्छे पानी से धो लिया है। अच्छे तरह से इनका स्टार्च निकल चुका है। तो अब हम इनको सुखाएंगे। तो इनके अंदर जितना भी पानी है उसको हम सुखाना है। तो हम लेंगे कॉटन का टवाल, और अब सारे लच्छे को इनका पानी निचोड़ते हुए इनको इस पर फैला देंगे। इनका जितना भी पानी है हम निकाल लेंगे, ताकि अच्छे से सूख जाएं। वैसे हाथों से दबाते हुए सारा पानी इसका ड्राई कर देंगे, इन बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। लच्छे एकदम से ड्राई हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इनका पानी हमने पूरा सुखा लिया है। तो अब इसे निकाल देंगे। आप देख सकते हैं लच्छों को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो फटाफट से इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने गैस को ऑन कर उस पर पैन रख दिया है, और इस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, तो हम इसमें लच्छे डाल के इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो हम इसमें थोड़े थोड़े करके सारे लच्छे डाल देंगे। अब इनको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, और अच्छा क्रिस्पी होने तक हम इनको भूनेंगे। लच्छों को क्रिस्पी करते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे भून के तैयार हो चुके हैं, अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल रहे हैं, जिसमें मैंने पेपर बिछा रखा है। अब इसमें हम और लच्छे डाल देंगे, और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमने सारे लच्छे इसमें डाल दिए हैं। अब इनको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ये लच्छे भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो इनके साथ हम निकाल लेंगे। हमने सारे लच्छों को निकाल लिया है। अब हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। बस हल्का ही फ्राई करेंगे, ऐसा रेड होने तक।
मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है तो ये निकाल लेते हैं। अब हमने जो कोकोनट लिए थे उनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, बस हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये ब्राउन हो चुका है, अब चलते हैं फटाफट से इसे बनाने की प्रोसेस। अब हम सारे नमकीन को मिला लेते हैं, तो मिलाने के लिए हम इसको निकाल लेंगे लच्छों को। आप देख सकते हैं कितना वाला है जो एक तरफ से निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे वो रोस्ट की हुई मूँगफली और कोकोनट, ये भी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये किशमिश। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, तो हम हाफ चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, तो मैंने हाफ चम्मच नमक लिया है, ये भी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये शुगर पाउडर, तो इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें हम शुगर पाउडर डाल रही हैं, तो ये हाफ चम्मच से थोड़े ज़्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी नमकीन कितनी अच्छी और क्रिस्पी बनी है, इसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।